हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता वालम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आपकी इज्जत और जान दोनों खतरे में पड़ सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उससे होगा ये कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, फिर आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि होटल्स रूम में हिडन कैमरा पाए गए हैं, ओयो रूम्स में कैमरा मिले हैं, क्या ये सब न्यूज सच होती है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये सब न्यूज सच होती है। लोकल होटल ही नहीं बल्कि ओयो, त्रिवागो, एयरबीएनबी जैसे रूम्स में भी कैमरा हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा कैमरा कहां लगा है और कितना लगा है। आखिर होटल वाले कैमरा लगाते क्यों हैं? क्या होटल के मालिक कैमरा लगाते हैं? कैमरा लगाने का अलाउ होटल के बाहर रिसेप्शन पे या फिर गैलरी जैसी जगहों पे हो सकती है, ये लीगल है। लेकिन होटल वाले क्या करते हैं कि इन सब जगहों पे तो कैमरा लगाते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां कैमरा नहीं लगाने चाहिए, लाइक बेडरूम, वॉशरूम, ट्रायल रूम वगैरह। अगर कोई होटल वाला ऐसा करता है तो ये पूरी तरह से इलीगल है। आप उस होटल के ऑनर पे केस कर सकते हैं और उस होटल की लाइसेंस भी कैंसिल की जा सकती है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि होटल में हिडन कैमरा कौन लोग लगाते हैं। याद रखें, होटल के मालिक कैमरा नहीं लगाते हैं क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस प्यारी है। अगर वो ऐसी हरकत करेंगे तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा, उनका बिजनेस डूब जाएगा। बेडरूम में कैमरा वो लोग लगाते हैं जो होटल के स्टाफ होते हैं, जिनकी नीयत खराब होती है। ऐसे में हिडन कैमरा के जरिए MMS तैयार हो जाता है और उस MMS को उस वीडियो को इंटरनेट पे डाल के वायरल कर देते हैं, जिससे लोगों की इज्जत खराब हो जाती है और कुछ लोग इसी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए जब भी होटल में जाएं तो जाने से पहले होटल की अच्छी तरह से छानबीन करें और ये देखें कि होटल का रेपुटेशन कैसा है, उसका लोकेशन चेक करें। पैसे बचाने के चक्कर में कोई सस्ता सा होटल ना ले लें क्योंकि सस्ता आपको महंगा पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सस्ता आपको महंगा पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी वीडियो लीक हो सकती है। आए दिन न्यूज में देखने को ये मिलता है कि होटल में रेट बढ़ गई है, ऐसे में आप प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। इसलिए लोकेशन ज्यादा मायने रखता है। होटल में जाने के बाद आप ये चेक करें कि आपकी ID वगैरह चेक हो रही है नहीं, लाइक वोटर ID कार्ड या फिर आधार कार्ड, क्योंकि ID चेक होना वहां मैंडेटरी होता है। अगर आपकी ID चेक नहीं हो रही है, कोई रजिस्ट्रेशन या फिर कोई भी पेपर वर्क नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्रिमिनल ऑफेंस वाली चीजें हो सकती हैं, यानी क्रिमिनल्स उस होटल में आसानी से आ सकता है, तो फिर आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कैमरा कहां कहां हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप होटल में जाएं। होटल में जाने के बाद आप बेडरूम में इंटर करेंगे, तो इंटर करने के बाद आप चारों तरफ ऐसे घूम के देखें क्योंकि कैमरा कहीं भी हो सकता है। फैन में हो सकता है, LED बल्ब के निचले हिस्से में हो सकता है, इवन मोबाइल के चार्जर में हो सकता है, SCTV लैंप में हो सकता है, टेबल पर रखे अलार्म क्लॉक में हो सकता है, सॉकेट में हो सकता है, किसी दीवार पे हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है या फिर चेंजिंग रूम में भी हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कैमरे कितने जगह पे लगे हैं? तो ये चेक करने के लिए आप अपने रूम में चारों तरफ ऐसे घूम के देख लें। उसके बाद रूम की हर एक लाइट्स को बुझा दें, मतलब सारी लाइट को स्विच ऑफ कर दें, एक भी लाइट नहीं जाना चाहिए, पूरा अंधेरा कर दें। उसके बाद अपना स्मार्टफोन का कैमरा ऑन करें और टिल्ट करें चारों तरफ घुमा के देखें। अगर कैमरा लगा होगा तो आपके फोन में इंडिकेट करेगा, IR यानी इंफ्रारेड लाइट उसमें ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन का कैमरा ऑन करें और कैमरा के पीछे रिमोट का बटन दबाएं, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। इंफ्रारेड लाइट जो होती है वो वेव्स फॉर्म में काम करती है, ये इनविजिबल होता है जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। और सबसे ज्यादा चांसेस बेडरूम के अलावा ट्रायल रूम में होते हैं, जहां लोग कपड़े चेंज करते हैं। अब ट्रायल रूम में कैमरा कहां है ये कैसे पता करें? ये पता करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि ट्रायल रूम में मिरर कितने लगे हुए हैं। फिर आप मिरर के पास जाकर अपने उंगली को मिरर से ऐसे टच करें, नाखून टच होना चाहिए। अगर बीच में गैप रह जा रहा है तो समझिए वो मिरर सही है, ओरिजिनल है। अगर उंगली आपके मिरर से टच हो जा रहा है, यानी बीच में गैप नहीं रह रहा है, आपस में जुड़ जा रहा है, तो समझिए वो मिरर डुप्लीकेट है, मतलब टू साइडेड मिरर है। अब टू साइडेड मिरर क्या होता है कि ये जो मिरर है, मिरर के इस पार से भी देख सकते हैं और मिरर के इस पार से भी देख सकते हैं, मतलब दोनों साइड से।
तो जाहिर सी बात है कि मिरर के ऑपोजिट साइड में कैमरा है। ज्यादातर हाई क्वालिटी वाले कैमरे काफी छोटे होते हैं और उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी होती है, इवन 1080p भी हो सकती है। अब इस छोटे से कैमरे को काफी तेजी से डेटा ट्रांसमिट करना पड़ता है, तो ऐसे में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नॉर्मल केबल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मल केबल काम ही नहीं करेगा, इसलिए इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत होती है। तो उस केस में आप ट्रायल रूम में इंटरनेट यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप इंटरनेट ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे, पेजेस ठीक से नहीं खुल पाएगा, और अगर आप कॉल करेंगे तो कॉल नहीं जा रहा है तो ज्यादा चांसेस है, समझिए 95% चांसेस है कि उस ट्रायल रूम में कैमरा है। दोस्तों, कैमरा को डिटेक्ट करने के लिए प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। लेकिन एक एप्लीकेशन है जो ठीक ठाक काम कर जाता है, जो कि ये है। इस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है मैग्नेटोमीटर का। इस ऑप्शन के जरिए आप हिडन कैमरा को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेसी को लेकर ज्यादा कंसर्न है तो इसके लिए एक डिवाइस आता है, हिडन कैम डिटेक्टर। आप अमेज़न से इसे परचेज कर सकते हैं। फिर ये डिवाइस हिडन कैमरा को आसानी से ढूंढ लेगा। अगर आपको कैमरा मिलता है तो आप चुपके से ना निकले, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करें, ताकि आने वाले और लोगों की इज्जत बच सके, वो लोग इस चीज का शिकार ना हो। दोस्तों, अब बात आ गई हमारे देश की इज्जत की, हमारे देश की रिपोर्टेशन की। अगर आप अपने देश को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत की हर एक नागरिक तक ये बात पहुंच सके। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मैदान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।